Hey guys, what's up everybody? It's me Shine and welcome back to my new video. Guys, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ फैशन टिप्स फॉर शॉर्ट हाइट बॉयज, क्योंकि guys मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड DM आते हैं कि यार शॉर्ट हाइट बॉयज के ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे हम लोग स्टाइल करें, फैशन को अपग्रेड करें एंड मतलब किस टाइप का क्लॉथ्स पहने, किस टाइप का हेयर स्टाइल रखे एंड किस टाइप का जीन्स ट्राउजर पहने एंड शूज किस टाइप का पहने, तो टोटल फैशन के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए. सो दिस वीडियो फॉर यू गाइज, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्टाइल के ऊपर. तो जिन लोगों का हाइट शॉर्ट है तो वो लोगों को मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ हेयर स्टाइल अपना, मतलब हेयर ज्यादा छोटा ना करे, मीडियम या फिर लॉन्ग हेयर रखे एंड साइड फेड हेयर स्टाइल करे. आप लोग जब साइड फेड हेयर कट करते हैं ऊपर थोड़ा लॉन्ग हेयर रहता है तो आप लोगों का फेस स्ट्रक्चर थोड़ा लॉन्ग दिखता है एंड उसके वजह से अपने पूरे लुक्स पे एक इल्यूजन क्रिएट होता है ना, आप लोगों का पूरा हाइट थोड़ा लॉन्ग दिखेगा. बट गाइस आप लोग जब अपने हेयर को शॉर्ट कर देंगे एंड साइड में भी हेयर थोड़ा बड़ा रखेंगे तो आपका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा राउंड शेप में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा आपके पूरे लुक्स के ऊपर वो इल्यूजन क्रिएट नहीं होगा एंड उससे आपका लुक्स और भी ज्यादा शॉर्ट लगेगा. तो गाइस आपका हाइट शॉर्ट है तो ये टिप्स जरूर फॉलो करना. तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉथ्स के ऊपर. तो क्लॉथ्स में ऊपर अपर पार्ट में जो टी शर्ट एंड शर्ट पहन दो, तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि यार हाइट शॉर्ट है बट बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ओवर साइज कपड़ा पहनते हैं, तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेंड को मत फॉलो कीजिए, आपके खुद के हिसाब से कपड़े पहनिए एंड ज़्यादा ओवर साइज कपड़ा मत पहनिए, ज़्यादा लॉन्ग पैटर्न का कपड़ा मत पहनिए एंड ज़्यादा फुल्ला फुल्ला सा भी नहीं, मतलब जो लूज फिट वाला होता है वो भी मत पहना करो. तो आप लोग जब थोड़ा टाइट फिट्स वाला एंड थोड़ा शॉर्ट हाइट पहनेंगे अपर पार्ट में, आप जब शॉर्ट टी शर्ट या फिर शर्ट पहनेंगे तो आपका लेग्स मतलब लोअर पार्ट में क्या होगा वो ज़्यादा दिखेगा एंड ज़्यादा लेग दिखेगा तो आपका हाइट में भी एक इल्यूजन क्रिएट होगा एंड आपका हाइट थोड़ा लंबा दिखेगा. एंड मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप टी शर्ट पहने या शर्ट पहने तो उसका जो पैटर्न हो वो थोड़ा हॉरिजेंटल पैटर्न में कुछ ट्राई करो, तो उससे भी आपके बॉडी पे एक इल्यूजन क्रिएट होगा एंड थोड़ा लंबा आपका बॉडी दिखेगा. तो वर्टिकल स्ट्राइप्स को इग्नोर करो एंड जो हॉरिजेंटल होता है उसको ट्राई करो. एंड गाइस लॉन्ग क्लॉथ्स को ऑलवेज इग्नोर करो, क्योंकि आप जब लॉन्ग क्लॉथ पहनेंगे तो आपका पैर छोटा छोटा दिखेगा, ऑलरेडी आपका लेग्स बहुत ही छोटा है एंड उसके ऊपर और भी छोटा दिखेगा लोअर पार्ट, तो भाई बहुत ज़्यादा आपका हाइट शॉर्ट दिखने वाला है. तो इसको बिल्कुल इग्नोर करो, शॉर्ट हाइट वाला शर्ट या टी शर्ट पहन, सबका लुक्स इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं दिखेगा. देन बात करते हैं लोअर पार्ट के बारे में, लोअर पार्ट यानी कि जीन्स ट्राउजर वो कैसा पहने. तो गाइस मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि एक टाइट फिट जीन्स या ट्राउजर आप पहना करो, मतलब जो लूज फिट वाला होता है वो लूज फिट को बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि जब आप ज्यादा लूज फिट पहनेंगे तो लेग्स थोड़ा चौड़ा दिखेगा एंड चौड़ा जब दिखेगा तो हाइट में भी शॉर्ट दिखेगा. तो आप लोग जब एक स्किनी सा जीन्स ट्राई करेंगे तो आपका लेग्स थोड़ा पतला दिखेगा एंड जब पतला दिखेगा तो लेग्स थोड़ा लंबा दिखेगा एंड उसके वजह से आपके पूरे लुक्स पे एक इल्यूजन क्रिएट होगा एंड आपके लेग्स जब लंबा दिखेगा तो आपके पूरे लुक्स भी उतना शॉर्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा लंबा दिखेगा. तो किसी इस बात को याद रखना, ऑलवेज जो नैरो या फिर टाइट या फिर स्लिम फिट जीन्स होता है, ट्राउजर होता है, उसको ट्राई करो, जो लूज फिट होता है उसको बिल्कुल इग्नोर करो. तो गाइस हम लोगों ने हेयर की बात कर ली, देन अपर पार्ट की बात कर ली मतलब शर्ट या टी शर्ट के बारे में, देन लोअर पार्ट में जीन्स ट्राउजर की भी बात हो गया. तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं फुटवेयर के बारे में. शूज पे मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप एक हाई एंकल वाला शूज पहनो या फिर जो शूज थोड़ा बड़ा टाइप होता है वो पहना करो, क्योंकि उस पर थोड़ा हील ज्यादा रहता है एंड जो वुडलैंड शूज होता है इस टाइप का जो शूज होता है ये ज्यादा पहना करो, जिससे क्या होगा आपके हाइट थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें एक हील रहता है एंड उस शूज की वजह से आपका हाइट 2-3 इंच एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा. एंड जब आप एक हाई एंकल वाला शूज पहनेंगे तो आपका लेग्स भी थोड़ा लंबा दिखेगा एंड पूरे बॉडी पे उसका इल्यूजन क्रिएट होगा एंड उसके वजह से आपका हाइट उतना शॉर्ट नहीं दिखेगा. एंड ऑलवेज स्लीपर्स फ्लिप फ्लॉप्स ये सब को इग्नोर करो, क्योंकि अब जब ये पहनेंगे, क्योंकि आपका हाइट शॉर्ट है तो आपका पैर भी बहुत ही छोटा होगा, 5-6-7 होगा, मैक्सिमम 7 नंबर तक होगा, तो उसमें आप स्लीपर्स फ्लिप फ्लॉप्स पहनेंगे तो छोटा छोटा पैर दिखेगा जब, तो आपके पूरा लुक्स ही शॉर्ट दिखेगा. तो दैट्स व्हाई मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप एक हाई एंकल वाला शूज पहनो एंड जब हाई एंकल वाला शूज पहनेंगे तो आपके पूरे हाइट उतना शॉर्ट नहीं दिखेगा, कि आप जब हाई एंकल वाला या फिर थोड़ा बड़ा सा शूज पहनेंगे तो आपका पैर थोड़ा बड़ा दिखेगा एंड दैट्स व्हाई आपके पूरे लुक्स पे एक इल्यूजन क्रिएट होगा एंड वो उतना शॉर्ट नहीं दिखेगा, आपका लुक थोड़ा लॉन्ग दिखेगा. तो गाइस ये थी कुछ टिप्स फॉर शॉर्ट बॉयज. तो गाइस आप लोग ये टिप्स बिल्कुल फॉलो करना एंड आप लोग जब इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो लोगों को दिख के लगेगा कि आपका फैशन सेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको जरूर फॉलो करना एंड आप लोग भी अपने ग्रुप में बहुत ही अच्छे स्टाइलिश हैंडसम बॉय बन जाओगे. तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो एंड मेरे FB एंड Instagram का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो. तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस डालता रहता हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जैसे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.